भाई ये जो अंजुना बीच है ना, ये एकदम ऐसे छपरी में है, हिडन हिडन वाला जो बीच होता है ना, मतलब इतनी पतली पतली गलियां हैं कि सिर्फ स्कूटर ही आ सकता है भाई, गाड़ी तो आ नहीं सकती। और गाड़ी की पार्किंग पीछे बहुत जगह पे ऐसे लिखा हुआ है, पेड पार्किंग पेड पार्किंग। तो अभी देखते हैं हमारा स्कूटर कहाँ तक जाएगा। ये कुछ नया बन रहा है, ये बन रहा है कोई नया होटल, वो रेस्टोरेंट टाइप बन रहा है ना कुछ अंजुना बीच के ऊपर। और यहाँ थोड़ी थोड़ी रॉक्स हैं, चलें एक बार रॉक्स के ऊपर। देखो भाई मछली, मरी हुई मछली आ गई समुंदर के बाहर, लेकिन इसकी आँख आँख निकली हुई है। आँख कहाँ गई होगी? और ये मरी कैसे होगी ये भी नहीं पता। इस बीच में भाई क्या है, ये जो नीचे आप सैंड देख रहे हो ना, ये देखो काली काली सैंड आ रहा है, ये काले रंग का इसमें हल्का सा मिक्सचर काला आ रहा है सैंड में। इस तरफ भी आप देखोगे हल्का काला काला आ रहा है। अब क्या चक्कर है यहाँ पे, ये कालापन कहाँ से आ रहा है पता नहीं, लेकिन यहाँ के सैंड में कालापन है। ये देखो दूर तक सब सैंड काली काली दिखाई दे रही है भाई। बीच देख के हो लिए बोर, ठीक है सारे बीच एक जैसे हैं, कोई खास फर्क नहीं है। क्राउड थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, बाकी ऐसा कोई खास फर्क नहीं। अपने को सबसे बढ़िया लगा बागा बीच। अब कुछ और प्लान बनाते हैं जिसमें और मज़ा आ रहा ना, दो दिन बच रहे हैं भाई, अब कुछ बढ़िया प्लान बना यार। कल जाएंगे हम लोग अम्बोली, कल अम्बोली का प्लान है पूरे दिन का, तो देखते हैं उसमें क्या मज़ा आएगा। अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं, दूसरा कोई देखते हैं। अंजुना बीच में भाई ये एक अलग चीज़ और दिखी है, ये देखो ये कैसी रॉक्स हैं, मतलब सुराख 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 वाली रॉक्स हैं। अब ये कैसे बनी है, अरे इतना मटर कि कोई कुछ नहीं खाएगा। ये सिर्फ इसी वाले बीच में मिला अभी तक हमें, जितने पे भी गए ना उनमें से सिर्फ इसी बीच में मिला ही है। तो किस चीज़ के रॉक्स बने हुए हैं पता नहीं भाई। भाई एक शॉट लेने गया था बिल्कुल वो रॉक के लास्ट पॉइंट पर गया था, और ये देखो पूरा भीग गया, पूरा ऐसा पानी आया पूरा, मतलब मुंह के अंदर भी पूरा नमकीन पानी चला गया। देखते हैं भाई शॉट अच्छा आना चाहिए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, भीग गए सूख जाएंगे दो चार मिनट में। JW मैरियट, और यहाँ पर अभी एक और बढ़िया होटल आया था। मतलब ये एरिया जो है ना ये थोड़ा डेवलप्ड एरिया लग रहा है, जो वेगेटर बीच वाला है। अंजुना बीच वाला जो एरिया था ना भाई वो तो बिल्कुल ही खस्सी, मतलब एकदम ही ऐसा लग रहा था लो क्लास टाइप ना, ये फिर भी स्टैंडर्ड लग रहा है। एक अच्छी मार्केट भी आई थी और दो तीन फाइव स्टार प्रॉपर्टीज भी आ गई पास में, बढ़िया है भाई। ये वाला एरिया तो काफ़ी अच्छा है, ये देखो ना अच्छे अच्छे वो हैं, क्या बोलते हैं रिजॉर्ट्स हैं, अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं काफ़ी यहाँ पे, अच्छे क्लब, वो क्लब तो नहीं क्या कह सकते उनको, मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह सब अच्छे अच्छे हैं इस रोड पर। भाई ये जो थोड़ा स्टैंडर्ड का लग रहा है, अपन अंजुना जो गए थे ना वो तो फालतू में गए, मेरे को लगता नहीं कि मतलब वो तो एकदम बेकार था। यहाँ फिर भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्राउड है और जगह भी स्टैंडर्ड की लग रही है। हाँ ये बढ़िया बीच लग रहा है भाई, वहाँ तो गए और बस कपड़े भिगोने गए थे शायद। ये बीच बढ़िया लग रहा है भाई, यहाँ पर सही है, सही क्राउड है और सही बीच लग रहा है, मतलब उतनी हाई टाइड्स भी नहीं है यहाँ पे। हाँ रेस्क्यू वाले भी हैं, शेक्स नहीं है लेकिन हाँ बाकी वैसे बढ़िया माहौल है यहाँ पे। भाई ये वाला जो वेगेटर बीच है ना इसमें क्या है, समुंदर भी शांत है, बहुत हाई टाइड्स नहीं आ रही हैं, मतलब स्लोप नहीं है। देखो पानी बड़े प्यार से आ रहा है, जूतों में चप्पलों में मिट्टी भी नहीं घुस रही है, बस पानी आता है और कोई ऐसे बहुत तेज़ टाइड्स नहीं आ रही हैं, बिल्कुल सिंपल आराम से टाइड्स आ रही हैं। और ये नीचे देखो आराम से पानी आ रहा है और आराम से ही वापस जा रहा है। क्राउड अच्छा है, मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि अंजुना बीच जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अंजुना में तो कुछ भी नहीं है। वेगेटर अच्छा है, बागा अच्छा है और कलंगुट अच्छा है। वहाँ सामने की तरफ मेरे को एक कुछ पहाड़ी के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब वहाँ पर जाएँगे कि नहीं जाएँगे देखते हैं, राणा बोलेगा तो जाएँगे। बाकी तो यहाँ से समुंदर एकदम फ्लैट नज़र आ रहा है, मतलब ऐसे लेवल में नज़र आ रहा है, ऐसे ऊपर नज़र नहीं आ रहा, ऐसा बिल्कुल प्लेन लेवल नज़र आ रहा है। तो राणा अभी तक के जितने बीच हैं उसमें तेरे को कौन सा बढ़िया लगा?
को ये सबसे बढ़िया लगा? सबसे बढ़िया लगा वेगेटर, और वीडियो में रिकॉर्ड के लिए डाल देते हैं भाई, अगली बार आएंगे तो वेगेटर के पास भी रुक सकते हैं, अगर हम बाई चांस भूल जाएँ तो अपना वीडियो देख के याद आ जाएगा कि हम वेगेटर के पास भी रुक सकते हैं अगली बार। बढ़िया बढ़िया शानदार बीच है भाई ये वाला, और सबसे मेन पॉइंट क्या है कि ये एकदम लेवल में है ना, मतलब बहुत हाइट हाइट्स नहीं है तो इतना रिस्की भी नहीं है, रिस्क फैक्टर बहुत कम है, मतलब लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कर पा रहे हैं, यहाँ कोई बॉल से खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, तो ये भी बढ़िया है यहाँ पे। भाई इस बीच पे ना सिर्फ एक ही चीज़ का कम रह गया, अपना ड्रोन ख़राब नहीं हुआ तो, ड्रोन लाए होते ना तो क्या ही शॉट्स आते, मज़ा आ जाता भाई, एक नंबर मज़ा आ जाता। ये देखो धूप इधर से आ रही है ना, इसलिए इधर से ठीक आ रही है वीडियो, और समुंदर की तरफ करते ही एकदम काला हो रहा है। ड्रोन सही होता तो मज़ा आता, पर क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, फिर आएंगे कभी लेकर ड्रोन। तो भाई आज हमने अंजुना बीच देख लिया, वेगेटर देख लिया, सुबह कंडोलिम भी फिर आज ही देखा था, आज हमने 3-4 बीच देख लिए और पूरा भीग गए भाई, होटल में जाके नहाना पड़ेगा क्योंकि समुद्र का पानी जो है ना वो पूरा कपड़ों में हो गया है, शरीर भी नमकीन नमकीन सा हो गया है। तो अभी यहाँ से निकल गए वेगेटर से, होटल जा रहे हैं, होटल जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या शेड्यूल बनता है, उसके बाद का शाम का आज का क्या शेड्यूल बनता है। भाई गोवा में दुनिया भर की स्कूटी चलती है, लेकिन पेट्रोल पंप हमें पहला दिखा है 2-3 दिन में, वो भी ये शायद अंजुना वाला न्यू पेट्रोल पंप नहीं, वेगेटर डाउनटाउन के पास है, ये एक पेट्रोल पंप हमारे को दिखाई दिया 3 दिन में पहली बार, नहीं तो बोतलों में ही रखा हुआ हमारे को पेट्रोल मिला अभी तक जहाँ भी मिला। भाई रूम में आए हैं, पूरा तो फर्श गीला पड़ा है और ये सब दीवारों पे पानी वानी आ रहा है। आज दिन में फ़ोन पे बात हुई तो बोले नहीं नहीं सर ये तो आप दरवाज़ा खोल देते हो इसलिए आ जा, नहीं दरवाज़ा बंद रखते हो इसलिए आ जाता है, खोल देते हो पता नहीं, लेकिन भाई मेरे ख्याल से क्या वो ताजमहल वाले कारीगर ने बनाया है ये, इसको खुद नहीं पता होटल वाले को किसकी दीवारों में से पानी यहाँ कहाँ से रहा है, देखो सारी दीवारें गीली पड़ी हैं, देखो फुल। तो भाई ये हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री वाले पॉइंट थे ना, ये आज 2 दिन बाद हमारे को फाइनली मिल गए हैं, पहले हमारे को तो लगा था कि रोज़ के एक एक पॉइंट है, बट इन्होंने बोला कि सिर्फ एक एक पॉइंट ही है। तो गेटअप हो गया है चेंज, अब जा रहे हैं पूल के ऊपर, पूल पे थोड़ी देर इन्जॉय करेंगे क्योंकि 3 दिन हो गए और हम पूल में अभी तक गए भी नहीं है, चल भाई रहना। तो भाई चीयर्स, और ये सामने भाई पूल, राणा जी उतर गए हैं पूल में। राणा स्विमिंग आती है? नहीं, अरे यार गांव के जोड़े में नहाना भी नहीं सीखा तूने, व्हाट इज दिस मैन। अब हमारे व्यूअर्स को तैर के तो दिखा दे, हां इतना तो दिखा देंगे तैर के, पहले मैं नाप लूं पूल को। अच्छा पूल को नाप रहा है, छोटा है। तो भाई फुल मस्ती करके, पूल एंजॉय करके और सब अपना प्रोग्राम सेटल करके अब जा रहे हैं डिनर करने। राणा तो पहले पहुंच गया है और आज अपने को मिले प्रिंस भाई, प्रिंस कसाना भाई, वो भी ब्लॉगिंग करते हैं, उनके चैनल का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देखना मैं भी देखता हूँ, मुझे लगता है बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाते होंगे। तो राणा भाई कहाँ है एक बार देखते हैं, राणा खाने लग गया है। ये है मिस्टर संदीप जी, राणा जी खाना खाने लग गया है हमारे बिना, व्हाट इज दिस मैन। तो भाई ये सारी कटलरी है जिससे राणा खाना खाएगा, एक चम्मच उसने पहले ले लिया, बाकी इन सबको इस्तेमाल करेगा, अलग अलग चीज़ों को खाने के लिए अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करेगा। और आज के हमारे बूफे में आलू गोभी वेज का ये पूरा सेक्शन है, चावल है खाना भाई एक नंबर खाना, ये ब्रेड्स का सेक्शन है और ये नॉनवेज का सेक्शन है, फिश पता नहीं मुझे नाम नहीं पता, हॉट गार्लिक फिश है, लेकिन भाई फिश अल्टीमेट फिश है, मतलब पता ही नहीं चल रहा कि अपन फिश खा रहे हैं, कोई स्मेल नहीं है, चिकन मैंने खाया नहीं है, फिश इतनी अच्छी लगी कि चिकन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो भाई आज 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 का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, डिनर कर लिया, बहुत ही शानदार डिनर था, मज़ा आ गया, और शाम आज की बहुत अच्छी रही होटल में, एक नंबर शाम रही, मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया रहा। ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, आई होप आपको इस ब्लॉग में मज़ा आया होगा, अगर ब्लॉग में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्रिंस भाई के चैनल का भी मैं लिंक डाल दूंगा, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना और देखना कैसा कंटेंट बनाते हैं। गुड नाइट एंड गुड बाय।